स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 यानी चाइल्ड एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, और जन्म लेने के बाद वह सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है और जन्म के साथ वह बच्चा अपनी बहुत तरह की इननेट पावर के साथ पैदा होता है जो उसको प्रकृति द्वारा मिलती है। शुरू शुरू में बच्चे के अंदर कोई सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह इस सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, वह सोशल बिहेवियर करना सीखता है जो कि उसके अंदर मौजूद होती है। इसी प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब है कि हमें एक इंसान को सोशल एनिमल बनाना है। तो असल में सोशल एनिमल बनाने से मतलब है कि एक इंसान को सीखना होगा अपने ट्रेडिशंस के बारे में, अपने बिलीव्स, कस्टम्स, और उसको उसी तरीके से बिहेव करना होगा सोसाइटी के अंदर, ताकि वो सोशलाइज्ड और सिविलाइज्ड हो सके। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वह अपने कल्चरल और सोशल हेरिटेज को अपने फ्यूचर जेनरेशन तक पास ऑन भी कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड अटेन्स कल्चरल ट्रेट्स, सेल्फनेस एंड पर्सनैलिटी। यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू फिशर के डेफिनेशन के अनुसार, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन अ पर्सन एंड हिज फेलो मैन, अ प्रोसेस that results in an acceptance of and adoption of the patterns of social behavior. Yani Fisher ne socialization ke process ko is tarah se define kiya hai ki samajikaran ek vyakti aur anek dusre vyaktiyon ke beech parasparik prabhav ki ek prakriya hai. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है तथा उनसे अनुकूलन करना सीखता है। अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग, सोशलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड, ऑफ मेकिंग हिम अ पार्टिसिपेंट मेंबर इन सोसाइटी एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स, and him to accept the norms and values of that society. Yani Kimball Young ne socialization yani samajikaran ki prakriya ko is tarah se define kiya hai ke samajikaran vah prakriya hai jiske dwara vyakti samajik aur sanskritik kshetra mein pravesh karta hai, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और आदर्श नियमों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, यानी समाजीकरण की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। जब हम सोशलाइजेशन को लर्निंग प्रोसेस कहते हैं तो इसका मतलब है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। बालक अनुभव, प्रयत्न और प्रशिक्षण के द्वारा उन गुणों को सीखता है तथा समाज में अनुकूलन करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। इसका अर्थ है कि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से प्रारंभ होकर अंत तक चलती रहती है।
समाज में रहकर बालक समाज के नियमों और मूल्यों के अनुसार विभिन्न व्यवहारों को जीवन प्रयत्न सीखता रहता है। थर्ड इज एडेप्टेबिलिटी, इसका अर्थ है अनुकूलनशीलता। समाजीकरण द्वारा सामाजिक परिवेश से अनुकूलन तथा व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान की जाती है। बालक को संसार में समायोजन करने के लिए नवीन गुणों का अर्जन करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, यानी आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा बालक में आत्म का विकास होता है। वह स्वयं का आकलन करने लगता है तथा उसमें स्वयं के प्रति अधिक से अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह दूसरे लोगों के विचारों के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। उसी के अनुसार बालक अपने बारे में धारणा बना लेते हैं। यही धारणा हमारा आत्म है। फोर्थ पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, इसका अर्थ है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण यानी सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण के व्यवहारों को नियंत्रित करता है तथा वांछित एवं अवांछित व्यवहार प्रतिमानों में अंतर करना सीखते हैं। इस प्रकार समाजीकरण के द्वारा ही कोई बालक समाज का सामान्य सदस्य बन पाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज कल्चरल ट्रांसमिशन, इसका अर्थ है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति एवं बालक अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। समाज में ही रहकर बालक अपनी संस्कृति के आचार विचारों को सीखता है। सांस्कृतिक अधिगम का तात्पर्य संस्कृति के नियमों, मूल्यों, विश्वासों, व्यवहार के ढंगों, भौतिक वस्तुओं के उपयोग तथा मनोवृत्तियों आदि को से है। सेवन पॉइंट इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, सो द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, इसका अर्थ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। इसका अर्थ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान से जुड़ी हुई है। दो अलग अलग समय में समाजीकरण की धारणा भिन्न हो सकती है। जैसे प्राचीन समय में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। समाजीकरण स्थान सापेक्ष है, यानी जैसे एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है।